नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आप सभी लोग बेसब्री से आईपीएल का इंतजार जरूर कर रहे होंगे। आईपीएल 13 कब होगा किसी को अभी फिलहाल पता नहीं है, कोई ऑथेंटिक खबर निकल के सामने नहीं आई है। सभी लोग सोच रहे थे कि अभी तक तो आईपीएल 13 शुरू हो गया होगा, लेकिन अब जो उम्मीद जताई जा रही है कि आगे अगस्त सितंबर में हो सकता है, लेकिन अभी इसको लेकर कुछ स्पष्ट खबर सामने नहीं आई है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि सभी लोग इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन एक बात को और बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और वो है टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का, जो आप सभी के फेवरेट हैं और हमारे भी फेवरेट हैं। तो सभी इंतजार कर रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का क्या, क्योंकि आईपीएल होना ना होना ये फिलहाल अभी कोरोना की जो सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है। अगर कोरोना पर काबू पा लिया गया तो हो सकता है कि आप और हम जल्द ही क्रिकेट के मैदान में महेंद्र सिंह धोनी को खेलता हुआ देखेंगे, आईपीएल में छक्के लगाते हुए देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, फिलहाल महेंद्र सिंह धोनी के जो भविष्य पर संकट खड़े हो रहे हैं उससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। अभी कोरोना को लेकर राहत की खबर नहीं है, इसलिए लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही जा रही है। जब लॉकडाउन पूरे अप्रैल भर चलेगा तो फिर आईपीएल की तो कोई बात ही नहीं है। खास बात यह भी है कि आईपीएल 2020 को अभी केवल टाला जाएगा, यानी इसे रद्द नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इसे रद्द कर दिया जाता है तो फिर सबसे बड़ा सवाल टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के भविष्य को लेकर उठ रहा है। कहा जा रहा है कि अगर आईपीएल नहीं हुआ तो क्या धोनी संन्यास ले लेंगे, क्योंकि बिना आईपीएल के धोनी की टीम इंडिया में वापसी कैसे होगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो आज की तारीख में अगर सबसे बड़े सवाल हैं तो वो दो हैं। पहला, ये आईपीएल होगा कि नहीं होगा, और दूसरा, महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे। कयास बहुत से लगाए जा रहे हैं, आप भी लगा रहे हैं, हम भी लगा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जो टीम इंडिया के पूर्व सेलेक्टर हैं श्रीकांत, और जो ओपनिंग करते थे पुराने वक्त में, ताबड़तोड़ बैटिंग करते थे, उनका क्या कहना है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, ये भी हम आपको बताते हैं। पूर्व मुख्य चयनकर्ता के श्रीकांत ने शनिवार को कहा कि अगर इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का 13वां सीजन नहीं हो पाया तो टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का भारत की T20 वर्ल्ड कप में जगह बनाने का मौका भी बहुत कम हो जाएगा। श्रीकांत ने टीवी पर आने वाले एक शो के दौरान कहा कि मैं साफ कहूंगा कि अगर मैं चयन समिति का अध्यक्ष होता तो मैं क्या करता, अगर आईपीएल नहीं होता है तो धोनी का मौका बहुत कम हो जाएगा। हमें बहुत अच्छे से याद है बेसब्री से महेंद्र सिंह धोनी का इंतजार हो रहा है। महेंद्र सिंह धोनी आखिरी बार खेले थे न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में, बदकिस्मती से उस वक्त वो रनआउट हो गए थे। सभी इंतजार कर रहे हैं उनके वापस आने का, लेकिन श्रीकांत ने उनसे जुड़ी एक और अहम बात की है, और वो क्या बात है देखिए। साल 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य के श्रीकांत ने कहा कि टीम का हित व्यक्तिगत हित से पहले होना चाहिए, भले ही इसमें धोनी जैसा धुरंधर हो। श्रीकांत ने कहा कि मेरी राय में लोकेश राहुल विकेटकीपर बल्लेबाज होगा, ऋषभ पंत के बारे में मुझे लगता है कि उसे भले ही थोड़ा शक हो लेकिन मेरा मानना है कि वो काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। उन्होंने कहा, इसलिए मैं उसे टीम में रखने से गुरेज नहीं करूंगा, लेकिन ये तो तय है कि अगर आईपीएल नहीं हुआ तो धोनी के लिए T20 विश्व कप में वापसी करना बेहद मुश्किल होगा। तो ये तो रही श्रीकांत की बात, लेकिन आपको ये भी जानना बेहद जरूरी है कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन महेंद्र सिंह धोनी के बारे में क्या राय रखते हैं और क्या कहते हैं। इसी कार्यक्रम में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन भी थे, और नासिर हुसैन ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा क्रिकेटर एक पीढ़ी में एक आता है, इसलिए उस पर संन्यास का दबाव बनाने वालों को एहतियात बरतनी चाहिए। नासिर हुसैन ने साफ तौर पर कहा कि भारत का ये पूर्व कप्तान अभी भी भारतीय क्रिकेट को बहुत कुछ दे सकता है। उन्होंने कहा, एमएस धोनी के जाने के बाद उसके जैसा कोई नहीं मिलेगा, उस पर संन्यास का दबाव बनाना सही नहीं है, सिर्फ धोनी को पता है कि वो किस स्थिति में है, आखिर में चयनकर्ताओं को फैसला लेना है और खिलाड़ी मौका मिलने पर खेलते हैं। तो ये तो रही बात श्रीकांत और नासिर हुसैन की, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि महेंद्र सिंह धोनी पर कपिल देव, सुनील गावस्कर और वीरेंद्र सहवाग क्या राय रखते हैं, क्या उनके बारे में कहते हैं। तो ये हम आपको नीचे जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आपको जानना चाहिए। आपको याद दिला दें कि धोनी ने भारत के लिए आखिरी मैच 2019 में विश्व कप के दौरान खेला था। ये मैच जुलाई में खेला गया था और ये सेमीफाइनल था। इस मैच में धोनी रनआउट हो गए थे और उसके बाद वो क्रिकेट से दूर हैं। इस बीच संभावना जताई जा रही थी कि अगर धोनी आईपीएल में अच्छा खेलते हैं तो फिर उन्हें टीम इंडिया में वापसी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और वो जल्द ही वापसी कर लेंगे। टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री ने भी कहा था कि धोनी के लिए आईपीएल बहुत खास होने वाला है, लेकिन अब तो आईपीएल पर ही संकट के बादल मंडराने लगे हैं।
तो ये हैं दो बड़े सवाल, पहला कि आईपीएल होगा या नहीं होगा, कब होगा, और दूसरा महेंद्र सिंह धोनी वापस आएंगे या फिर नहीं आएंगे। इन दोनों सवाल के जवाब जब भी निकल के आएंगे सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा रहा। लेकिन उसके लिए आपको एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। कोई भी अपडेट छोटी से छोटी आईपीएल से जुड़ी होगी, धोनी से जुड़ी होगी, वो आप तक सबसे पहले हम पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है।